राष्ट्रपति हाल राष्ट्र जोग संबोधन करी रहा छे सिद्धा जयसूतिया। दो दिन पहले 23 जनवरी को हम सभी देशवासियों ने जय हिंद का उद्घोष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनका पूर्ण स्मरण किया है। स्वाधीनता के लिए उनकी ललक और भारत को गौरवशाली बनाने की उनकी महत्वाकांक्षा हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे संविधान का निर्माण करने वाली सभा में उस दौर की सर्वश्रेष्ठ विभूतियों का प्रतिनिधित्व था। वे लोग हमारे महान स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख ध्वजवाहक थे। लंबे अंतराल के बाद भारत की राष्ट्रीय चेतना का पुनर्जागरण हो रहा था। इस प्रकार वे असाधारण महिलाएं और पुरुष एक नई जागृति के अग्रदूत की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने संविधान के प्रारूप के प्रत्येक अनुच्छेद, वाक्य और शब्द पर सामान्य जनमानस के हित में विस्तृत चर्चा की। वह विचार मंथन लगभग 3 वर्ष तक चला। अंततः डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष की हैसियत से संविधान को आधिकारिक स्वरूप प्रदान किया और वह हमारा आधारभूत ग्रंथ बन गया। यद्यपि हमारे संविधान का कलेवर विस्तृत है, क्योंकि उसमें राज्य के कामकाज की व्यवस्था का भी विवरण है, लेकिन संविधान की संक्षिप्त प्रस्तावना में लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मार्गदर्शक सिद्धांत सारगर्भित रूप से उल्लिखित हैं। इन आदर्शों से उस ठोस आधारशिला का निर्माण हुआ है जिस पर हमारा भव्य गणतंत्र मजबूती से खड़ा है। इन्हीं जीवन मूल्यों में हमारी सामूहिक विरासत भी परिलक्षित होती है। इन जीवन मूल्यों को मूल अधिकारों तथा नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में हमारे संविधान द्वारा बुनियादी महत्व प्रदान किया गया है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों का नागरिकों द्वारा पालन करने से मूल अधिकारों के लिए समुचित वातावरण बनता है। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने के मूल कर्तव्य को निभाते हुए हमारे करोड़ों देशवासियों ने स्वच्छता अभियान से लेकर कोविड टीकाकरण अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया है। ऐसे अभियानों की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय हमारे कर्तव्य परायण नागरिकों को जाता है। मुझे विश्वास है कि हमारे देशवासी इसी कर्तव्य निष्ठा के साथ राष्ट्रहित के अभियानों को अपनी सक्रिय भागीदारी से मजबूत बनाते रहेंगे। प्यारे देशवासियों, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। उस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान पूर्णतः प्रभावी हुआ। ऐसा सन 1930 के उस दिन को यादगार बनाने के लिए किया गया था जिस दिन भारतवासियों ने पूरी आज़ादी हासिल करने का संकल्प लिया था। सन 1930 से 1947 तक हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रजोग संबोधन करવામાં આવ્યું આવતીકાલે 26 જાન્યુઆરી છે અને તે પૂર્વ સંધ્યાએ તેઓ દેશને સંબોધિત કરતા જે રીતેની ઉજવણી થતી હોય છે અને સાથે સાથે જ દેશવાસીઓને શુભેચ્છાઓ પણ પાઠવી હતી।